बिहारी न्यूज़ और हम आ चुके हैं पटना के गांधी मैदान में, जहाँ पे आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं पटना बुक फेयर लगा है। जी हाँ, ये हर साल लगता है बट दो साल से लगा नहीं था, कोरोना की वजह से बंद हो गया था पुस्तक मेला लगना, तो इस बार बहुत खास तरीके से लगाया गया है। अंदर काफ़ी ऐसी बुक हैं जो पब्लिश हुई हैं, नई बुक्स भी आई हैं, पुराने कुछ पब्लिशर्स के भी बुक आए हैं, तो हम अंदर जाएंगे और एक एक स्टॉल पर जा करके देखेंगे कि किन किन जो पब्लिशर्स हैं उनकी बुक यहाँ पर पब्लिश हुई हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, हम कहेंगे आप दिखाइए इसको एक बार अच्छे से, आप देखिए मतलब ये राज स्वास्थ्य समिति की तरफ से लगाया गया है। तो हम अंदर चलते हैं और एक एक करके जो भी हमसे हो पाएगा बुक के बारे में हम आपको नॉलेज देंगे। तो वहाँ पे हमने आपको एंट्रेंस दिखाया, वहाँ पे एंट्रेंस था जहाँ से एग्जिट और एंट्रेंस दोनों था। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर टिकट काउंटर बनाया गया है, लोग वहाँ से इधर आ रहे हैं और यहाँ पर आकर के टिकट ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं हम उनसे जानेंगे कि मतलब क्या सोच के वो लोग आए हैं पुस्तक मेला में, कैसी किताबें वो खोज रहे हैं, क्या उनको यहाँ पे वैसी बुक मिलेंगी नहीं मिलेंगी, तो हम यहाँ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं हम अब अंदर आ चुके हैं, हम कहेंगे अपने कैमरा मैन से वो दिखाएँ कि किस तरीके से यहाँ पर स्टॉल्स जो हैं वो लगाए गए हैं, अलग अलग कॉर्नर्स बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग नाम भी दिया गया है। तो हम एक एक करके चलेंगे, हर एक स्टॉल पर जाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उस जो वो कॉर्नर है मतलब जो स्टॉल बनाया गया है वहाँ पे ऐसी कौन सी बुक है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और फिर उसके प्राइजेस भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके सारे स्टॉल्स की तरफ चलते हैं। पहुँचे हैं एक जो स्टॉल बना हुआ है वाणी प्रकाशन ग्रुप करके, तो इनके जो ओनर हैं हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ था, तो उसको हाँ। लेकर के काफ़ी समस्याएं हुई होंगी। नहीं, हाँ समस्या तो हमें कोरोना काल में नहीं लग पाया, जब इस साल जानकारी हुई कि लग रहा है तो हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत सी किताबें नई जो करीब 400 किताबें नई आ चुकी थी। हमारे यहाँ हर साल में लगभग हर महीने एक किताब निकलती है। तो ऐसी कौन सी किताब है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, स्पेसिफिक आप हमें बताएंगे? जैसे इरफान हबीब की किताब आई है, भारतीय इतिहास की अवधारणा, भारतीय इतिहास, राष्ट्रवाद पर, सोशल साइंस पर, और जैसे धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, शिवाजी सावंत का मृत्युंजय, क्योंकि भारतीय ज्ञानपीठ जो है वो वाणी प्रकाशन के साथ में मिल गया है, तो वो दोनों प्रकाशक की किताबें हमारे पास हैं। इसी जो कल भी डिमांड थी, आज युवा पाठक की ज़्यादा डिमांड। हाँ, तो हम युवाओं को लेकर ही पूछेंगे, ऐसे कौन सा बुक है जो युवाओं को देख कर मतलब उनके ख्याल को सोच कर पब्लिश किया गया हो? तो नहीं, जैसे देखो युवा लोग तो हर विषय को पढ़ते हैं, शायरी भी पढ़ते हैं, समाचार भी पढ़ते हैं, इतिहास भी पढ़ते हैं, तो पाठकों को कल जो देखा हमारे यहाँ से निदा फाजिली, बशीर बद, गुलजार जो युवा ले गए वो पढ़ने, उससे पूछा भी, बोले नहीं देखो विषय हमारा पढ़ने का अलग है कि तो हम ये भी साहित्य को पढ़ते हैं, जैसे गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, अद्भुत किताब है, खूब बिकी कर। तो आप हमें स्टॉल की तरफ ले चलेंगे तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, आप एक एक करके बताइए कि कौन कौन सी पब्लिशर्स नई आई हैं तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। हमारा है भारतीय धर्मवीर भारती, ये गुनाहों का देवता जो एक अद्भुत किताब है, जैसे प्रेमचंद गोदान का समय साल उसी काल में ही ये किताब चल रही है। जैसे ये है आपका शिवाजी सावंत का मृत्युंजय, युगांधर, शिवाजी संस्था भाई, अद्भुत किताबें हैं, भारतीय ज्ञानपीठ की संस्था थी कि इसको हजारों के लाखों में प्रतियां अभी तक इसकी बिक। शायरी से रिलेटेड कोई किताब हो आपके पास जो युवाओं को काफ़ी पसंद आता है? युवाओं को जो पसंद आ रहा है जैसे नई है मेरी फितरत मस्ताना, ये अभी मंजूर मस्तान की नई किताब आई, अच्छी बिक रही है। इसका प्राइस क्या है इस बुक का? ये 199 की किताब है, इसमें हम 15% डिस्काउंट देते हैं, वो बच्चे उसको कर पाते हैं। ये 15% डिस्काउंट बस कुछ ही किताबों पे है या फिर सभी किताबों पे है? अगर कुछ बच्चे ज़्यादा लेते हैं तो डिस्काउंट ऐसा कुछ नहीं है, 15 ही है, उसके बाद हम 20 भी कर देते हैं, 25 भी कर देते हैं बच्चों की डिमांड के उसे देखते हुए। अब जैसे एक क्रांतिकारी लेखक थे सब आदमगढ़ जी गिरलकार थे, कभी क्रांतियों की वो है, अद्भुत किताब है, खूब बच्चे पसंद करते हैं। पूरा हमारा बहुत बड़ा एक शारीरिक जैसे आपका कुमार विश्वास की वो मैं हूँ जोन लिया, लेकिन दो किताबें हैं अभी के एक साथ काबिल, पूरा लगभग जो साहित्य है जो शायरी का क्षेत्र जो है सबसे बड़ा वाणी प्रकाशन के पास, वाणी प्रकाशन की वजह से। तो हमने आपको एक स्टॉल को दिखाया, आप देख सकते हैं अंदर कितनी भीड़ है, हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों से भी बात करें।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक्स के अलावा अगर लोग आते हैं बाहर से थके हारे आ रहे, बच्चे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, हम बच्चों को भी ढूंढेंगे, हम बच्चों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो यहाँ पे कौन सी किताब ऐसी है जो बच्चों को पसंद आई है। यहाँ पे आइसक्रीम कॉर्नर भी आप देख सकते हैं, कॉफ़ी कॉर्नर बनाया गया है। यहाँ पे काफ़ी ऐसे एक चीज़ है, शायद स्टेज जैसा कुछ बना हुआ है, पटना पुस्तक मेला बोध गया मंच करके, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, एक एक करके लोगों से बात करेंगे। तो चलते हैं और दूसरे स्टॉल्स की भी तरफ, देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ खास है। तो हम पुस्तक मेला के अंदर जब आए हैं तो हमारी नज़र एक स्टॉल की तरफ पड़ी है। आप देख सकते हैं डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का है ये क्लासेस देते हैं, तो हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम अंदर आएंगे तो जो मैनेजर हैं उनसे बात करेंगे और उनसे इसके बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। सर पहले तो बिहारी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप अपना नाम बता देंगे? देवाशीष कुंडू, मैं यहाँ पे प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर हैं आप, तो सर हम जानना चाहेंगे ये इंस्टीट्यूट के बारे में, हम जानना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये इंस्टीट्यूट हमारे बिहार गवर्नमेंट द्वारा स्थापित की गई थी 2014 में। इसमें तीन संगठन का सहयोग था, एक तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, दूसरा है कॉम्फेड और तीसरा जो है जीविका। इन तीनों के सहयोग से और गवर्नमेंट ऑफ बिहार के सहयोग से ये संस्था 2014 में बनी। और हमारा एक फुल टाइम कोर्स है 2 साल का, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डेवलपमेंट मैनेजमेंट। ये 2 साल का कोर्स होता है, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मिलता है इनको। तो सर इसके अंडर आप लोग किस किस तरीके से सुविधाएं दिलाते हैं पढ़ाई को लेकर के, क्या क्या होती हैं, फैकल्टी एडमिशन का कैसे होता है, ये सब आप बताएं। एडमिशन का भी सीजन चल रहा है, एडमिशन शुरू हो गया है। एडमिशन के लिए हम बच्चों जो एक स्कोर लेके आना पड़ता है, जिसमें कैट स्कोर, मैट स्कोर, सी मैट स्कोर, जो ऑल इंडिया बेसिस पे ये एग्ज़ाम्स होते हैं, उसका स्कोर लेके आप हमें सबमिट करेंगे, उस स्कोर के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मतलब उसके अंडर? तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट, आपको ग्रेजुएट होना है, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, बट ही और शी हैज़ टू हैव अ सी मैट स्कोर और अ कैट स्कोर, जो कैट मतलब जो आईएम्स में यूज़ होता है कैट, या एक्सएलआरआई जो जैट करके स्कोर देती है, तो उनके एग्ज़ाम में बैठ के उनका स्कोर आप लेके आइए, उन स्कोर के बेसिस पे हम लोग आपको इंटरव्यू पे बुलाएंगे। अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो हम आपको यहाँ पे दाखिला मिलेगा। तो सर दाखिला होने के बाद क्या क्या पढ़ाइयाँ होती हैं, मतलब एक होता है ना स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि इसके अंडर क्या क्या एजुकेशन आप प्रोवाइड करते हैं। हम लोग क्या है, हमारी जो संस्था बनी है ये एक्चुअली मुख्यमंत्री जी के सपना था। उन्होंने वो चाहते थे कि बिहार में एक ऐसा संस्था बनाए जो विकास के बारे में बात करे, विकास के बारे में लोगों को समझाए और ऐसे प्रोफेशनल्स तैयार करे जो बिजनेस नहीं, जो विकास से संबंधित जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें सहयोग दे, ऐसे प्रोफेशनल्स उन्हें चाहिए थे। तो वो उस तरह के हमारे बच्चे जो है, जैसे हॉर्टिकल्चर है, जीविका है, कॉम्फेड है, तो ऐसे बहुत, या जो बहुत सारे एनजीओस जो समाज में काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ते हैं, और जो भी डेवलपमेंट वर्क है जैसे वाटर एंड सैनिटेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन, तो ये सब जो डेवलपमेंट एक्टिविटी, विकास करने के लिए जो एक्टिविटीज़ होते हैं इससे जुड़े हुए हैं। सर इसका कोई फीस स्ट्रक्चर भी है या फिर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं, हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप का बहुत प्रावधान है। हमारे ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 50% जो बच्चे हैं उनको, नियरली 50% बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिल जाता है। और स्कॉलरशिप जो है, हम लोग फर्स्ट टर्म में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं अर्न योर स्कॉलरशिप, आप खुद मेहनत कीजिए, आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो पहले रैंकिंग में जितने लोग आते हैं पहले 10 या 12 वो तय होता है और उनको हम अलग से स्कॉलरशिप देते हैं। तो उनका 50, किसी को 100% स्कॉलरशिप मिलता है, किसी को 50% स्कॉलरशिप मिलता है, किसी को 25% स्कॉलरशिप मिलता है, तो कुछ ना कुछ हर एक को मिल ही जाता है। तो
सुना आपने, हमने इनसे बात किया, हमने इनसे जानने की कोशिश की कि ये इंस्टीट्यूट जो है वो किस तरीके से पढ़ाई प्रोवाइड करती है। तो और भी यहाँ पे स्टॉल्स हैं, हम उनकी तरफ भी जाएंगे और वहाँ पे भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बिहार सरकार द्वारा काफ़ी ऐसी अलग अलग स्टॉल्स लगाई गई हैं जो पढ़ाई को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है, तो हम जाएंगे और एक एक करके हर एक स्टॉल पर जाकर कोशिश करेंगे कि हम बात करें और उसके बारे में जानें और लोगों अपने दर्शकों तक पहुँचाएँ उस बात को। आइए हम दूसरे स्टॉल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हैं, यहाँ एक लड़की हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये अभी अंदर गई नहीं है बट हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे ये क्या सोच कर आई हैं, किस तरीके की बुक इनको पसंद है। आप बताइए, आपको किस तरीके का बुक पसंद है और अंदर आप क्या ढूंढ रही हैं? मैं इंडियन हिस्ट्री और जियोग्राफी ये सब का बुक ढूंढ रही हूँ फॉर प्रिपरेशन के लिए, BPSC ये सब। आप BPSC का प्रिपरेशन करें। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम स्वीटी भारती है। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सरिता कुमारी है। तो आप मतलब आप भी आई हैं, इनके साथ ही आप आई हैं, तो अंदर आप किस तरीके का बुक खोज रही हैं? ऐसा कुछ होता है पब्लिशिंग? BA पार्ट वन में हूँ तो उसी के लिए थोड़ा बहुत बुक देखने आई थी, क्योंकि मेरा साइंस 12th में साइंस था तो इस बार आर्ट्स का लेना है, स्ट्रीम चेंज किए हैं, तो वही देखने आई थी मैं किस टाइप का बुक। तो अभी आप लोग अंदर गए ही नहीं है पर लेने के लिए, मतलब देखने बुक लेने आई हैं आप लोग? अभी आप लोग अंदर गए ही नहीं है? नहीं, अभी नहीं गए। तो अभी देखा आपने, ये लोग अभी अंदर गए ही नहीं है पर ये लोग BPSC का तैयारी कर रही हैं और कुछ और भी पढ़ाई कर रही हैं, तो उसके लिए ये लोग अंदर जाएंगी और देखेंगी बुक को लेकर के। और भी यहाँ पे लोग हैं जो अंदर काफ़ी बुक लेकर के बाहर जा रहे हैं, तो उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जाने की कोशिश करेंगे कि जो सोच कर वो यहाँ आए हैं उस तरीके की किताबें यहाँ पर उनको मिली हैं नहीं मिली हैं। तो और भी लोग हैं। अंकल, आप अंदर से बुक लेकर आए हैं? नहीं। तो आप यहाँ घूमने आए थे, तो मतलब क्या सोच कर आप आए पुस्तक मेला में? पुस्तकें देखेंगे। पुस्तक देखेंगे, तो अंदर आपको ऐसी कौन सी बुक है जो पसंद आई होगी? वो लोहिया की पुस्तक थी। आपको किताबें पढ़ना पसंद है या नहीं? हाँ, है। पसंद है आपको? हाँ। तो फिर आपने और भी पब्लिशिंग देखी या फिर बस वही देखा? नहीं, वही देखा। वही देखा। हाँ। तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे लेंगे। लेंगे आप बुक? फिर आएंगे। तो ये अंकल कह रहे हैं कि इन्होंने बुक देखा है, अभी इनको पसंद आया है, अभी ये लेंगे आकर के। तो और भी ऐसे लोग हैं यहाँ पे, स्कूल के बच्चे भी हैं जो आ रहे हैं बाहर की तरफ, तो हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप अंदर से आ रही हैं पुस्तक मेला से, तो मतलब आपको किताबें पसंद आई अंदर, आप कौन सा बुक ढूंढने आई थी जो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो? आप तो स्कूल स्टूडेंट हैं, आप बताइए हमें। इन्होंने नहीं लिया है कुछ भी? नहीं लिया है आपने? तो आप यहाँ पे आए, आपको बुक पसंद नहीं आया? नहीं, मैं बुक पढ़ता नहीं। आप बुक नहीं पढ़ते? आप स्कूल में आप बुक ही नहीं पढ़ते हो? बुक पढ़ता हूँ, यानी बैठना स्टोरी बुक। स्टोरी बुक आपको पसंद नहीं आता? आपको किस तरीके की बुक्स पसंद है? मैं बुक नहीं पढ़ता। बुक नहीं पढ़ते तो स्कूल में बुक आपको नहीं मिलता? पढ़ता है। स्कूल वाला बुक पढ़ते, ये सब बुक आपको पसंद नहीं है? तो इनका कहना है कि ये स्कूल में पढ़ते। आपने अंदर बुक लिया? जी। तो आप यहाँ पे क्या सोच कर आए थे, किस तरीके की पब्लिशिंग आप ढूंढ रहे थे और आपको अंदर क्या क्या ऐसी बुक्स हैं जो पसंद आई? हम बेसिकली नॉवेल्स ढूंढ रहे थे, थ्रिलर, और मिला हमको दो मिला। तो आपने किस पब्लिशर का बुक लिया, आप हमें दिखाएंगे? इसके बारे में पहले से पता था या फिर? पता था आपको? तो आप यहाँ पे बेसिकली इसी के लिए आए थे? नहीं, एक्चुअली हमको पता भी नहीं था यहाँ, ये आपको पता भी नहीं था यहाँ? तो देखा आपने, ये बच्चे थे स्कूल के, ये यहाँ पे थ्रिलर बेस्ड स्टोरी ढूंढने आए थे। और भी ऐसी बहुत सारी अंदर काउंटर्स हैं, अभी हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अभी ये पुस्तक मेला यहाँ पे रहने वाला है, तो हम लोगों से यही बोलेंगे जो भी दर्शक हैं यहाँ पर आए, यहाँ पे काफ़ी अलग अलग पब्लिक आए हैं पब्लिशर्स के बुक, जो काफ़ी नए भी हैं पुराने भी हैं, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो हम लोगों से यही कहेंगे कि यहाँ आए, तो अगर आप गांधी मैदान आते हैं तो आप एक बार पुस्तक मेला में ज़रूर आएँ और यहाँ आकर हर एक स्टॉल पर जाएँ, बुक्स देखें, बुक खरीदें। इस बार इस पुस्तक मेला का एक थीम बनाया गया है, फ़ोन को अवॉइड करना है और बुक्स को पढ़ना है। इस तरीके की थीम जो है इस बार बनाई गई है इस पुस्तक मेला की, जो अपने आप में ही काफ़ी तारीफ़ की बात है, क्योंकि आजकल के टाइम में जो जनरेशन हो गया है वो सब फ़ोन के आदि हो गए हैं। तो इस टाइम में ऐसा थीम बना करके इतने अच्छे अच्छे पब्लिशर्स की बुक लगाना, ये सरकार द्वारा किया गया है। तो लोग आएँ, यहाँ आएँ और बुक ज़रूर देखें। फ़िलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़।